नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गुना पुलिस द्वारा सिसोदिया कॉलोनी में हुई चोरी का मामला 7 दिनों के भीतर उजागर कर दिया गया है। पुलिस की टीम द्वारा विशेष प्रयास के तहत 7 दिनों में मामला उजागर हो गया। इस दौरान पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर करीब 1 लाख का माल भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में चोरी, लूट, डकैती, ठगी आदि प्रकार के संपत्ति संबंधी अपराधों में तत्परता पूर्वक और सक्रियता से कार्यवाही कर इन मामलों में एक के बाद एक लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में विगत दिनांक 29-30 दिसंबर की मध्यरात्रि में गुना शहर कोतवाली अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी से हुई चोरी के गंभीर मामले में पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्यवाही की गई और मात्र 7 दिनों के भीतर ही चोरी की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से चोरी सोने चांदी के जेवर, घड़ी आदि बरामद किए गए। इसमें पतारसी जारी की, तकनीकी साधनों से और अन्य साधनों से ज्ञात हुआ कि ये पारदी कुछ इसमें थे, पारदी जो कि दिग्भ्रमित हुए पारदी कहे जाएंगे, बाकी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। कुछ इस तरह से उनको बहकाया गया जिनके द्वारा यह वारदात की गई थी, उनको उनके नाम सबसे पहले ज्ञात किए गए और नाम ज्ञात करने के पश्चात पारदी समुदाय को इससे अवगत कराया गया। हर्ष का विषय है कि पारदी समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो इस तरह से दिग्भ्रमित हुए थे उनको वापस समाज की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस की हमारी विशेष टीम लगी थी, इस विशेष टीम ने इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को तत्काल घेराबंदी करके समुदाय के मदद से गिरफ्तार किया। 6 लोगों द्वारा ये घर के अंदर जाकर वारदात की गई थी। ये राज सिंघानिया, शिवदत्त पारदी, शिवप्रताप पारदी, मुकद्दर पारदी, राज पारदी और प्रताप पारदी हैं जो घर के अंदर गए थे। इनको वाहन से ले जाने का कार्य किया था खुशहाल और शिवा पारदी ने। इसमें कुछ ये बच्चे दिग्भ्रमित हुए थे, उनको वापस समाज की मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद वे निश्चित रूप से समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। अभी वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध विधिवत की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारी पुलिस टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है जिनको प्रत्यक्ष से पुरस्कृत किया जा रहा है।